जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2023 वैकेंसी के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल पोस्ट, पोस्ट नेम और छूट, एलिजिबिलिटी और अप्लाई डेट के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आई हमारी तो लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक घंटी को दबा लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब वीडियो को शुरू करते हैं। हम इसमें बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट, तो 1284 पोस्ट अभी जो निकल के आई है। और इसमें हम बात कर लेते हैं पोस्ट, पोस्ट नेम मेल फीमेल के लिए, कुक के लिए 480 पोस्ट है, पोस्ट है मेल के लिए 456, फीमेल के लिए 24। वहीं वाटर कैरियर की बात करें तो टोटल 294 सीटें हैं, मेल के लिए 280, फीमेल के लिए 14। वाशरमैन की बात करें तो 132 टोटल है, जिसमें से 125 मेल के लिए, 7 फीमेल के लिए। बारबार की बात करें तो 60 सीटें हैं, जिसमें 57 मेल के लिए और 3 फीमेल के लिए। वहीं पर सुपर की बात कर ले तो 270 सीट है, जिसमें 263 मेल के लिए, 14 फीमेल के लिए। वहीं वाटर की बात कर ले तो 5 सीटें हैं, मेल के लिए 5 सीटें और फीमेल के लिए 0। वहीं पर कोबलर की बात कर ले तो 23 सीटें हैं, जिसमें से 22 सीटें मेल के लिए, फीमेल के लिए 1 सीटें हैं। और टेलर की बात कर ले तो 13 सीटें हैं, जिसमें से 12 सीटें मेल के लिए, 1 सीटें फीमेल के लिए हैं। वहीं मेल के लिए कुल टोटल 1220 सीटें हैं, फीमेल के लिए 64 सीटें हैं। एज की हम बात कर लेते तो 18 से 25 वर्ष, ओबीसी के लिए 18 से 28 वर्ष के लिए और एससी एसटी के लिए 18 से 30 वर्ष, जिसमें से छूट की बात करें तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष की होती है और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की होती है। एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो 10 पास है। वहीं पर हम कुक, वाटर, कैरियर, वेथर, बचर की बात करें तो पहले में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन और फार्मर वर्क लेवल 1, वहीं पर कोर्स इन फूड प्रोडक्शन किचन की और सर के फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉपरेशन दोस्तों। और बात कर लेते हैं हम तो कैबलर, ट्रेलर, वाशरमैन, माली, बारबेर, सुपरवाइजर, खोजी और स्केस। बात करें टेट की जानकारी होनी चाहिए इसमें। अब दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, राइटिंग टेस्ट, मेडिकल होगा। वहीं पर सैलरी की हम बात करें तो दोस्तों सैलरी लेवल 3 के 21,700 लेकर 59,100 रुपये रहेगा और अदर आलवेंस मतलब वैकेंसी के हिसाब से रहेगा। वहीं पर अप्लाई डेट दोस्तों हम बात कर ले तो अप्लाई डेट होगी 26 फरवरी से 27 मार्च तक। फीस बात कर ले तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये और एससी एसटी ये फीमेल के लिए निःशुल्क है। और फिजिकल की दोस्तों हम बात कर ले तो मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। वहीं फीमेल की बात कर ले हाइट तो हम 155 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 148 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात कर ले तो मेल के लिए 75 से 80 सेंटीमीटर और रनिंग की बात करें मेल के लिए तो 5 किलोमीटर 24 मिनट निकालना है और फीमेल के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में निकालना है। अब राइटर सिलेबस की हम बात करें दोस्तों तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के 2 घंटे समय रहेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और जीके और जीए 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ में 25 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश में 25 क्वेश्चन और रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी और वैकेंसी के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद आपको का।